गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल अंकित गेमिंग एंड हाउ आर यू ऑल गाइज। कमेंट बिलो, आप लोग कैसे हो? तो यार कमेंट में बताना मत भूलना। तो आपका भाई लेके आ चुका है बहुत ही मज़ेदार वीडियो। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये हमारे कुछ भाई के ट्रिक शॉट्स और बैंक शॉट्स हैं। और ये ब्लैक बॉल डबल बैंक शॉट प्ले कर रहा है हमारा भाई। और ये भी पूली है भाई, बहुत बेहतरीन वाला। तो ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से डबल बैंक शॉट। और इसमें खेलना भाई आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो रियल पूल है ये पूल में भाई बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है प्ले करना। और ये ट्रिक शॉट थ्री बैंक शॉट का आई थिंक सो बैक स्पिन और थ्री बॉर्डर डायरेक्ट मिडिल में, ठीक है। ये नॉर्मल सा ट्रिक शॉट है थ्री बॉर्डर। तो देखते हैं भाई जाता है कि नहीं। और यहाँ पे भाई बहुत ही ओपी कोलाइट होते होते बच गया, तो कोई नहीं, बहुत ही अच्छी बात है कोलाइट नहीं हुआ। और यहाँ पे भाई अपोनेंट जो बनाता है ना भाई शक्ल, तो बहुत ही अच्छी शक्ल बनाता है। और इसके बाद में और एक ट्रिक शॉट है जो कि फोर डायमंड शॉट है, ठीक है। डायमंड बोलते हैं कि कॉर्नर टू कॉर्नर, फिर नीचे कॉर्नर, फिर डाउन साइड का कॉर्नर, ठीक है। फोर डायमंड शॉट है तो देख सकते हो, फोर डायमंड के बाद सीधा अंदर, तो बहुत ही बेहतरीन। ये वाला भी और एक है आई थिंक सो, वो भी इन्हीं का है, ठीक है। हाँ ये वाला शॉट है, ये भी आई थिंक सो फोर डायमंड ही होगा मेरे हिसाब से। हाँ भाई फोर डायमंड है, तो बहुत ही ओपी फोर डायमंड शॉट्स, दो फोर डायमंड्स के और एक नॉर्मल थ्री बॉर्डर वाला। जो भी शॉट्स भी जाए थैंक यू फॉर डैट। और इसके बाद में अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो यार आज मैंने ये भाई का अकाउंट लिया था, ठीक है, अभिमन्यु करके नाम है। तो भाई का अकाउंट लिया था, मैंने बोला देखते हैं भाई क्या, भाई जब से बोल रहा था कि भाई मेरे में प्ले कर लो, तो मैंने प्ले कर लिया है। तो मैंने प्ले करने के बाद आप बोलोगे अंकित भाई वीडियो क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो भाई वीडियो क्वालिटी कुछ इस कदर ऐसे हो गई ना भाई, मतलब बहुत ही शॉर्ट से रिकॉर्ड हो गया। जब इसको हम लोग, मतलब मैं जब इसको बैकग्राउंड में लगा के उसके बाद में जब मैंने इसको इंक्रीज़ किया ना भाई साइज़, तो ये फट गया है। तो अपन कुछ नहीं कर सकते। और आपको यहाँ पे प्यारा से बैंक शॉट देखने को मिलेगा, आपका भाई प्ले करता है और उसके बाद में अपन दफन हो जाते हैं, अपन कुछ प्ले नहीं कर पाते। तो यार यहाँ पे नॉर्मली प्ले कर लेते हैं ऐसे ही, मेरे को पता है नहीं जाएगी, फिर भी मैं प्ले कर रहा हूँ क्योंकि हैंड ना मिले अपोनेंट को। तो यार यहाँ पे ये भी फिनिश हो गया, तो भाई अभी अपोनेंट का चांस है, ठीक है। अपोनेंट को अपन ने चांस दे दिया है ऑलमोस्ट, देखते हैं अपोनेंट ने सॉलिड लिया है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है भाई। इस अकाउंट से भी मेरे को एक सीन हो गया था, पता है, अब नाम नहीं लेना चाहता मैं, वही जो चल रहा है आजकल मार्केट में बहुत फैल रहा है। तो भाई वो उस टाइप का बंदा गिरा था, 57 लेवल था आई थिंक सो कुछ। तो भाई इतना गंदा मारा ना उसने, उसमें क्या सीन है पता है गाइस, अगर आपका ब्रेक भी आ रहा है ना, आप ब्रेक ओपन करोगे तो आप ब्रेक ओपन भी करते हो, अब ब्रेक ओपन कर लिया मतलब आपका वाइट बॉल स्क्रैच होना लाजमी है, 100% आपका वाइट बॉल स्क्रैच होगा। अगर वाइट बॉल स्क्रैच नहीं होता है तो आपका एक बॉल भी पॉट नहीं होगा, ये वाला सीन है। और उसके बाद में जब बंदा प्ले करेगा ना भाई, बहुत ही गंदी तरीके से प्ले करेगा। और अगर आप लोगों को देखना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मैं अभी स्टेटस लगाने वाला हूँ, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो भाई कितनी गंदी तरीके से प्ले कर रहा था, ठीक है। मैं वहाँ स्टेटस पे लगा दूंगा तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है भाई। तो जिनको भी मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं पता है गाइस, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जाके चेकआउट करो और वहाँ से मेरा स्टेटस आप लोग देख सकते हो। और मैं लगाने वाला हूँ, अभी लगाने वाला हूँ, इस वीडियो के वॉइस ओवर के बाद ही लगाने वाला हूँ। तो भाई बहुत ही गंदी तरीके से पीटा है, पता है, बहुत ही गंदी तरीके से। और मेरे को बहुत हंसी आ रही थी भाई, मेरे को बहुत हंसी आ रही थी कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, क्या बोलूँ अब। मैंने यूट्यूब पर अपलोड नहीं करना, वो चैनल पे इफेक्ट होता है, तो इसीलिए मैं नहीं कर रहा, बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। तो जिनको भी देखना है व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करो और आपको वहाँ पे मेरा स्टेटस मिल जाएगा, तो वहाँ पे से जाके आप लोग चेक कर सकते हो। तो यार ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे अपोनेंट का टर्न आ गया, तो हमारे मेहरा भाई सब प्ले कर रहे हैं, अभी रेड के साथ जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अभी तीन बॉल हैं टेबल पर भाई के, तो देखते हैं भाई क्या कुछ होता है और अपने को चांस आएगा नहीं आएगा ये भी पता लग जाएगा अपने को। तो भाई यहाँ पे अपोनेंट सिर्फ प्ले करे जा रहे हैं भाई, एकदम जहर वाला प्ले कर रहा है अपोनेंट तो। और यहाँ पे ये बॉल कैसे भी प्ले कर लो आप, बैंक शॉट बहुत इजी तरीके से टॉप लेफ्ट में प्ले कर सकते थे, बट अपोनेंट ने बोला कि भाई मेरे को डायरेक्ट ही खेलना है, भले ही मेरा वाइट बॉल स्क्रैच हो जाए। तो भाई यहाँ पे वाइट बॉल स्क्रैच हो जाता है, अपना टर्न आ गया है, ठीक है गाइस। अपना टर्न आने पे अपन रेड को प्ले करेंगे, फ्रंट स्पिन यूज़ करूँ
हाँ कर लेता हूँ, फ्रंट स्पिन यूज़ कर लिया मैंने यहाँ पे, और एक पोजीशन ऐसी बन गई कि मेरे को एक बैंक शॉट खेलना पड़ेगा। तो ग्रीन बॉल को एक लेफ्ट साइड डाउन पे बैंक शॉट खेल लेते हैं बैक स्पिन यूज़ करके, ताकि अपना वाइट बॉल ऊपर को जाए ब्लू की तरफ। ठीक है, बहुत ही ओपी, एक नंबर। और जस्ट ब्लैक की पोजीशन एकदम बेहतरीन सी बन गई है, तो राइट पॉकेट में डाल देंगे टॉप राइट में, और गेम को एंड करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे शॉट डन हो गया। मैं सोच रहा था ब्लू से कोलाइड हो जाएगी, बहुत बारीकी से अपन ने इसको डन कर दिया है। उसके बाद में भाई के अकाउंट में कॉइन्स अच्छे खासे हो गए हैं भाई, कॉइन्स 300M बना दिया था मैं 230M से। बट यार ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं प्ले करने के लिए, क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे भाई हमारे भाई गिरे, तो देखते हैं भाई साहब क्या कुछ कर सकते हैं। और एक्सक्लूवर क्यू मतलब अपनी फेवरेट गरीबों की आर्केंजल, तो क्यू से खेला जा रहा है, अपने पास ऑलमोस्ट है नहीं, पता नहीं आर्चोन है, बट आर्चोन से घेर रहा हूँ मैं। और भाई एक्सक्लूबर से मैं कब खेलता हूँ पता है, आप लोग बोलते हो अंकित भाई आपके पास है एक्सक्लूबर, आप प्ले नहीं करते, तो मैं बोलूँगा अभी भाई एक्सक्लूबर लेवल 1 पे या लेवल 2 पे है मेरा वाला, तो मेरे को लेवल 1 लेवल 2 नहीं जमता है भाई, मेरे को लेवल 4 लेवल 5 का जमता है जिसमें एम मैक्स हो। ऑलमोस्ट मैं ऐसे क्यों से खेलता हूँ जिसमें एम मैक्स हो या 9 पे हो, बट उसका 8 पे या 7 पे है, तो इसीलिए मेरे को एक्सक्लूबर फिर नहीं जमती है भाई। मतलब एक्सक्लूबर अच्छा लेवल 3 लेवल 4 पे होता तो मैं प्ले कर सकता था एक्सक्लूबर से, बट आर्केंजल तो लेवल 3 पे मैक्स हो जाती है, ऑलमोस्ट सबको पता होगा। आर्केंजल बहुत ही ड्रीम क्यू है भाई मेरी, मतलब आर्केंजल मिल गई ना फिर अपन गेम को बत्ती बना के खेलेंगे, तो वो वाला सीन है। और यहाँ पे भाई मैं ही प्ले कर रहा हूँ, तो यार यहाँ पे प्ले करता हूँ मैं ऑरेंज बॉल थोड़ा सा बैक स्पिन यूज़ करके, बट ये मिनी क्लिप बजा दिया है अपनी, यहाँ पे स्क्रैच हो गया अपन, जो कि उतनी दूर आने की बात ही नहीं थी भाई, उतनी दूर आने का सीन ही नहीं था बॉल को। बट होता है ना, बिग रॉप्स के मैग्नेट बहुत पावरफुल है, बहुत ही ओपी तरीके से काम करते हैं, तो भाई अपन कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। और यहाँ पे भाई अपोनेंट प्ले करे जा रहे हैं, मतलब ब्राउन बॉल प्ले करना है, येल्लो बॉल, रेड बॉल, मतलब 3 बॉल्स टेबल पे हैं, और फर्स्ट वन के साथ जा रहा है जो कि है ब्राउन। ब्राउन तो फिनिश हो गया इजिली, अब आई थिंक सो ऑरेंज के साथ जाएगा थोड़ा से बैक स्पिन यूज़ करके, देखते हैं भाई क्या कुछ होता है, पोजीशन क्या बनती है। और भाई एकदम ओपी पोजीशन येल्लो के लिए, टॉप लेफ्ट में खेल सकता है, टॉप राइट में प्ले कर सकता है, अगर बैंक शॉट प्ले किया तो टॉप लेफ्ट में। और यहाँ पे भाई की आईडी डिसकनेक्ट हो गई, तो भाई ने लॉगिन कर लिया होगा, तो कोई नहीं भाई, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल गाइस, टेक केयर ऑल ऑफ यू।